हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट है क्लेयर्स का ये डेली स्किन हाइड्रेटिंग वाटर। इसके बारे में आपको बता देती हूँ, बेसिक स्किन केयर प्रोग्राम है, डीप हाइड्रेशन है, रिलीव एंड सूद, वेजन फ्रेंडली लाइट टेक्चर। देखिए ये प्रोडक्ट मैं मतलब हो गया है मुझे, मैंने विंटर में परचेज किया था। देखिए हाफ बोतल ये यहाँ तक मैंने यूज किया है। तो मैं कैसे यूज करती हूँ, मैं इसको अलग से सॉरी तो मैं कैसे यूज करती हूँ, देखिए इसको मैं ऐसे एक अपना ये मेरा खाली ये गुलाब जल की बोतल थी, इसमें मैंने डाल रखा है। ये देखिए बिल्कुल वाटर जैसा है। मेरी स्किन विंटर में इतना ज्यादा इरिटेट हो गई थी और बहुत ज्यादा ड्राई हो गई थी। मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है, मुझे डर्माटाइटिस है, तो मुझे कई बार रिएक्ट हो जाती है स्किन बहुत ज्यादा हार्श विंड या बहुत ज्यादा जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो मुझे रैशेज होने के बाद ड्राई स्किन हो जाती है। तो उस टाइम मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रही थी जो मैं स्प्रे करती रहूं, मेरी स्किन को हाइड्रेट करे। और ब्लीव आप ट्रस्ट करेंगे, मैं 3-4 दिन इसको स्प्रे किया। मुझे स्टार्टिंग में जब मैं स्प्रे करती थी मेरी स्किन बर्न होती थी, लेकिन मैंने इसको लगाना नहीं छोड़ा, क्योंकि बर्न होने के बाद ही मेरी स्किन पे जो रैसेज है वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे। 3-4 दिन बाद वो रैसेज बिल्कुल डिसअपीयर हो गए, मेरी ड्राई स्किन बिल्कुल सूद, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। तब से ये प्रोडक्ट देखिए मैं लगाती हूँ। अब आपने स्प्रे किया और छोड़ दिया बिल्कुल वाटर की तरह, 2 मिनट बाद थप थप किया और ये चला जाता है। या आप इसको थोड़ा सा कॉटन पैड पे लेकिन नहाते ही फेस वॉश करते ही जरा सा लगाया तो मॉइस्चराइज स्किन। ड्राई स्किन वालों के लिए देखिए बहुत अच्छी चीज है। और जिनकी सेंसिटिव स्किन है, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम होती है जैसे एक्जिमा, जिनको ड्राई पैचेज ऑलरेडी होते हैं, या जिनको ऐसी कोई चीज सूट नहीं करती, जो ऐसा टोनर ढूंढ रहे हैं जो बहुत बहुत मतलब सूद है, बहुत ज्यादा एकदम नॉर्मल है, अल्कोहल फ्री है, जस्ट मतलब 1900 रुपए है इसका प्राइस, लेकिन मैंने 1700 में परचेज किया था या मुझे डिस्काउंट मिला था। मैंने फोक्सी करके एक वेबसाइट थी वहां से परचेज किया था, नाइका पे तो 1900 का था, तो मैंने उस वेबसाइट से ये परचेज किया था। और ये काफी बड़ी बोतल है, आपको मैंने दिखाई है, काफी बड़ी बोतल है, तो कम से कम आपकी 8 to 9 मंथ अगर आप 2 बार भी स्प्रे करते हैं तो चल जाता है। तो प्राइस वाइज मुझे मतलब ठीक लगा कि कोई ऐसा बहुत कॉस्टली नहीं है जिस हिसाब से ये प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, काफी बड़ा बोतल दे रहे हैं। हम करें डीप आप हाइड्रेशन दे तो आंख बंद करके इस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। आप बहुत इसको मतलब लाइक करेंगे, सेंसिटिव स्किन वाले बहुत अच्छा करेंगे, स्किन पे हेल्दी ग्लो चाहते हैं, तो इसको यूज कीजिए, स्प्रे कर दीजिए। बट हाँ, ये बहुत गर्मी में आप नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि ग्लिसरीन और जैसे कोकोनट वाटर दोनों ही थोड़ा चिपचिपा करता है, तो गर्मी में आपको थोड़ा सा ये लगेगा जब ह्यूमिड क्लाइमेट है। बाकी जब दिल्ली की जैसे नॉर्थ साइड हमारी जो विंटर है या विंटर साइड जो है, उनको ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आने वाला है। या जो मेकअप से पहले कुछ ऐसा मॉइस्चराइजर बेस्ड चाहते हैं वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगता है, स्पेशल जब मेरी स्किन इरिटेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उस टाइम ये जस्ट लाइक एक ऐसी चीज जो मैं लगा पाती हूँ। बाकी मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, मैं सिर्फ वाटर से अपना फेस वॉश करती हूँ और इसको स्प्रे करती हूँ और बस। तो अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है, कुछ सूदिंग चाह रहे हैं, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्लेयर्स क्लेयर्स डेली स्किन हाइड्रेटिंग वाटर। सेकेंड जो मैं प्रोडक्ट बात कर रही हूँ क्लेयर्स की, ये बीबी क्रीम। ये एक्चुअली इम्लुमिनेटिंग सप्पल ब्लेमिस क्रीम SPF 40 PA++++। ये बीबी क्रीम है, साथ में एसपीएफ भी है। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए परचेज नहीं किया, मैंने मेरी डॉटर के लिए परचेज किया। वो कॉलेज जाती है तो उसको एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो स्किन में स्किन को अच्छा रखे, एसपीएफ भी का हो, मॉइस्चराइजर भी हो और साथ में मतलब बीबी क्रीम थोड़ा सा उसको वो भी करे। दिस बीबी क्रीम, इसका एसपीएफ सच में बहुत अच्छा है। इसमें बहुत सारे इन्ग्रीडियंट है, बहुत बड़ी इन्ग्रीडियंट लिस्ट थी जिसमें 90% इन्ग्रीडियंट बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने सच बताऊं क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि तो इसमें फ्रेग्रेंस है, एक्चुअली इसमें सिंथेटिक फ्रेग्रेंस नहीं है बट नेचुरल, जो कि जैसे मैंने बताया इसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत है तो इसकी फ्रेग्रेंस बहुत स्ट्रांग है और मैं फ्रेग्रेंस प्रोडक्ट से दूर रहती हूँ, तो इसकी वजह से मैंने इसको ट्राई ही नहीं किया क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेती हूँ मेरी स्किन पे। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, फ्रेग्रेंस से आपको एलर्जी नहीं है और अच्छे इंग्रेडिएंट कुछ चाहते हैं फेस पे लगाना, कुछ नेचुरल बीबी क्रीम जो मतलब बहुत ज्यादा जैसे बहुत ज्यादा आपको फाउंडेशन वाला वो नहीं देगी, मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी शेड भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ी व्हाइटिश व्हाइट साइड है, थोड़ा सा लाइट टोन है इसका, बट ये देखिए लगाएंगे ये मतलब अंदर जा रही है, ऐसे नहीं है कि आपकी स्किन पे ऐसे बैठ जाती है, ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है इसमें, ये देखिए आप लग रहा है कि मैंने कुछ ऐसा लगाया है, हल्का सा लग रहा है। ये भी 10-15 मिनट बाद जब ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगी तो ये बिल्कुल अंदर अच्छा सा फिनिश देती है, एकदम नेचुरल फिनिश देती है।
तो उसको तो बहुत अच्छी अच्छी लगी है, वो बोल रही है कि नेक्स्ट टाइम होगा तो कॉलेज में मेरे लिए बेस्ट है, मैं परचेज करूंगी। और ये 1715 की मिली थी, 1750 रुपये टू 4 मंथ चलेगी। तो मतलब एक पूरा कंप्लीट एक चीज है जिसमें मॉइस्चराइजर भी है, साथ में SPF भी है, बीबी क्रीम भी है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा है कॉलेज स्टूडेंट, ऑफिस ऑफिस गोइंग वुमेन के लिए बहुत अच्छी चीज है। सिंपल एंड स्किन फ्रेंडली, स्किन के लिए जो चीज अच्छी है तो ऑफकोर्स ली, इसकी तरफ इसके लिए भी बिग यस। तो ये दोनों प्रोडक्ट क्लेयर्स के बहुत, थैंक यू सो मच।